अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड 15 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। वहीं इस फिल्म को भी पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। इसी के साथ ही अक्षय कुमार ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से एक विशेष अपील की है। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म को लेकर अपील की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से उन्होंने निवेदन किया कि वो गोल्ड को रिलीज़ होने का अवसर दे। साथ ही उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि पैडमैन भी पाकिस्तान में दिखाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान में पैडमैन को भी बैन कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के लोगों को एक साथ चीयर करते हुए दिखाया गया है फिल्म गोल्ड में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने गोल्ड देख ली है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान को एकता के सूत्र में दिखाया गया है। भारत ने पाकिस्तान को चीयर किया और पाकिस्तान ने भारत को। आखिर दोनों 1947 से पहले एक ही देश थे, लाहौर भारत में ही था। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और भारत की एकता का सूत्र अक्षय कुमार की इस फिल्म में है, लेकिन उसके बावजूद इसको पाकिस्तान में अब तक रिलीज़ नहीं होने दिया है। दोस्तों फिल्म गोल्ड 1948 में लंदन में हुए 14वें ओलंपिक की कहानी है, जब भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में शिरकत की थी और पहला गोल्ड मेडल जीता था। और उस ओलंपिक में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। उसके बावजूद भी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भारतीय टीम को सपोर्ट किया था, क्योंकि पाकिस्तानी कप्तान इम्तियाज अली उससे पहले भारत के कप्तान थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ करनी चाहिए? अगर आप पाकिस्तान से हैं दोस्तों तो आप हमें बताइए कि इस फिल्म के बारे में आप क्या सोचते हैं। कमेंट में अपनी राय दें, सब्सक्राइब करें देखो।